हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ने वाले का दम भरने वाले इनेलो और जेजेपी के बीच मतभेद और मनभेद दोनों ही बरकरार है। मौका था चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि का, उम्मीद की जा रही थी कि इस दौरान चाचा और भतीजे के बीच का फासला तो थोड़ा कम होगा, लेकिन उम्मीद से उलट यहां चौटाला परिवार की कलह खुलकर सामने आई जब अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को देखकर भी अनदेखा कर दिया। कैसे, एक रिपोर्ट। चौधरी देवीलाल के विरासत को लेकर दो फाड़ हुए जेजेपी और इनेलो में कितनी तलखी है, ये 6 अप्रैल को दिल्ली के संघर्ष स्थल पर साफ देखने को मिला। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी 6 अप्रैल को दिल्ली के संघर्ष स्थल पर चौधरी देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोग ये कयास लगा रहे थे कि पारिवारिक तलखी और राजनीतिक मतभेद को भुलाकर चौटाला परिवार एक साथ बैठकर चौधरी देवीलाल को याद कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां उनके पद चिन्हों पर चलने का दम भरती। ऐसे मौके पर ये भी माना जा रहा था कि राजनीतिक और पारिवारिक तलखी को एक कोने पर रखकर जननायक चौधरी देवीलाल को याद किया जाएगा और किसी भी तरह की तलखी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मौजूदा राजनीतिक माहौल के सामने ये तमाम चीजें कयास बनकर रह गई। संघर्ष स्थल पर पहले से बैठे दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला के संघर्ष स्थल पर पहुंचने के बाद ही तुरंत अपने समर्थकों के साथ रवाना हो गए, यहां तक कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। हालांकि इस रवानगी के पीछे का कारण दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यक्रम की व्यवस्था को बताया, लेकिन वहां पर मौजूद कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इस तलखी को भांप न पाया हो। अलग थलग की बात नहीं है, पार्टी के और भी कार्यक्रम थे, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव है, जो टाइम निर्धारित था उसके अंदर हमें 8:30 बजे बैठक की शुरुआत करनी थी, जिसके अंदर 3 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, और चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से ही नहीं तमाम साथियों से डिस्कस कर ये फैसला लिया है। मुझे तो जब से 2001 में मैं 15 साल का था, मेरी तो जिम्मेवारी थी 7:30 बजे आकर यहाँ संघर्ष स्थल पर अपनी जिम्मेवारी निभाऊं, 2002 से और आज तक निभाता आया हूँ और आगे भी निभाता रहूँ। आमतौर पर चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर सुर्खियाँ उन्हें याद करने की खबरों और उनके संघर्षमय जीवन के बारे में होती, लेकिन 19वीं पुण्यतिथि पर पिछले कई महीनों से चली आ रही परिवार की तलखी ही खबर बन गई। अभय चौटाला ने तो बिना नाम लिए ये तक कहा कि जो लोग हमसे पहले यहाँ बैठे थे और चौधरी देवीलाल की प्रतिमाओं को गंगाजल से धोने की बात करते हैं, वो खुद पाप के भागी हैं और उन्हें निश्चित तौर पर सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासत करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। चौधरी देवीलाल खुद गंगाजल जैसे पवित्र थे तो उनकी मूर्तियों को गंगाजल से धोने की क्या जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विरासत पर राजनीति करने वालों को खुद गंगाजल में डुबकी लगानी चाहिए। उन लोगों को गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत है जो चौधरी देवीलाल की विरासत को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। ये जितने बैठे थे ये सारे के सारे पाप के भागी हैं, इन्हें सबक मिलेगा। उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे थे कि चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर शायद परिवारजन एकजुट होकर उनकी पुण्यतिथि पर चौधरी देवीलाल को याद करेंगे, लेकिन शायद ये तलखी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पारिवारिक मूल्य और विरासत कहीं पीछे छूट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।